आदरणीय वित्त मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी ने जिस तरह से एक अंग्रेजी में शब्द है सेलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स देश के सामने प्रस्तुत किया, क्या उन सब चीजों से आप देश का काला धन वापस लाना चाहते हो ये सेलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर करके? और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं साथियों कि दो तरह की स्टैटिस्टिक्स स्विट्जरलैंड सरकार से आती है, एक तो स्विस नेशनल बैंक से आती है और कल जो प्रस्तुत की गई उसको BIS का डाटा बोलते हैं। स्विस नेशनल बैंक स्विट्जरलैंड सरकार का केंद्रीय बैंक है जो कह रहा है कि भारतीयों का पैसा स्विस बैंक्स में 50% बड़ा है पिछले साल। और BIS का डाटा जो कल कोट किया गया है, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का डाटा है, वो कह रहा है कि भारतीयों का डाटा स्विस बैंक्स में कम हुआ है। जब हमने इसका माइन्यूटली अध्ययन किया तो हमने क्या पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि BIS के डाटा में नॉन डिपॉजिट लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं की जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर भारतीय कोई काला धन लेके स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कराता है और वो डिपॉजिट होता है तो वो BIS और SNB दोनों की स्टैटिस्टिक्स में आएगा, पर अगर वो कोई स्विट्जरलैंड की बैंक का बॉन्ड खरीद लेता है, डिबेंचर खरीद लेता है, म्यूचुअल फंड खरीद लेता है तो वो BIS के डेटा में नहीं आएगा, वो SNB के डेटा में आएगा। तो क्या वो काला धन नहीं है? क्यों आप देश को हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते हो सेलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स की? ये तो वही एक हास्यास्पद बात हो गई कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक डाटा ले आए कि 60 से 65 उम्र साल के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। इन चीजों से समस्या का समाधान नहीं होता है। आपने देश से जो वादा किया था कि 80 लाख करोड़ रुपया आप जनता का स्विस बैंक से लाएंगे, वो वादा का 80 लाख करोड़ का डाटा भी स्विस नेशनल बैंक का ही डाटा आप बार बार कोट कर रहे थे। अब आपको वो डाटा पसंद नहीं आ रहा, अब आप BIS के डाटा पे जा रहे हो। ये नहीं, ये देश के साथ एक तरह से धोखा है। तो आप देश को गुमराह मत कीजिए, आप कहिए कि काले धन के मुद्दे पे हमने जो वादा किया था 80 लाख करोड़ का, उसमें से 8 रुपए भी हम नहीं ला पाए, इसका हमें खेद है। जनता के सामने आप स्पष्ट और सच बोलिए।